एडवेंचर ऑफ सिंधवाद द सेलर, सिंधवाद के साहसिक कार्य। सिंधवाद एक नाबिक था, एक बगदाद में रहने वाला एक काल्पनिक व्यक्ति है जिसको बहुत सारी यात्राओं के बारे में जाना जाता है। तो इस कहानी को हम समझते हैं। वंस अगेन सिंधवाद कुड नॉट रिजिस्ट द कॉल ऑफ द सी। सिंधवाद एक ऐसा व्यक्ति था जो समुद्री यात्राएं करने का शौकीन था। तो एक बार फिर से वो समुद्री यात्राओं की जो आवाज थी उससे अपने आप को जुदा नहीं कर पाया और एक बार फिर से उसकी इच्छा हुई कि मुझे समुद्री यात्राएं करनी चाहिए। एट द पोर्ट ऑफ द बासरा ही चोज ए स्विफ्ट शिप एंड लोडेड इट विद द पोर्टेबल गुड्स। तो ये बसरा नामक एक जगह है जो काल्पनिक जगह है जहाँ पर जहाज़ों का आना जाना रहता है, जहाज उतरते हैं रुकते हैं। तो वहाँ से उसने एक तेज चलने वाला जहाज़ लिया, उस पर बहुत सारा सामान लादा और चल पड़ा समुद्री यात्रा के लिए। द शिप सेल्ड अक्रॉस द ब्लू सी, द रेड सी, द येलो सी एंड द ग्रीन सीज। इस तरह से वो चलता चला जा रहा है और बहुत सारे जो भी समुद्र जितने तरह के पड़ते हों, चाहे ब्लू सी नीला सागर हो, लाल सागर हो, पीला सागर हो या हरा सागर हो, किसी तरह का समुद्र हो, उसको पार करता हुआ वो आगे बढ़ रहा है। टिल दे केम टू द वाइड वाटर्स ऑफ द वाइट सी। और उसके बाद फिर क्या होता है, वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर सफ़ेद पानी दिखाई देता है, यानी कि जो हम लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस तरह का एक नॉर्मल वाटर दिखाई देता है, नॉर्मल समुद्र दिखाई देता है। द कैप्टन एंकोर्ड द शिप फॉर ए शॉर्ट रेस्ट एट द लोनली आइलैंड। उसको चलाने वाला जो कैप्टन था उसने जहाज़ को थोड़ी देर रोका ताकि अब इस जगह जो सफ़ेद समुद्र है वहाँ पर थोड़ा आराम कर लिया जाए। द इनक्विजिटिव सिंधवाद वेंट एशोर टू एक्सप्लोर ऑन हिज ओन। अब सिंधवाद तो हमेशा समुद्र की यात्राओं में लगा रहता था, सोचता रहता था कुछ ना कुछ नया उसे सीखने को मिले, देखने को मिले। तो इसी क्रम में वो सारे लोग आराम कर रहे थे और उसने सोचा कुछ नया खोजता हूँ। वो आगे बढ़ा और चल देता है अपने आप से ही कुछ नया खोजने के लिए। He followed a little stream deep into the island to a pool of the sparkling clear water. वो चलता चला जा रहा था, एक नदी पड़ी, छोटी सी गहरी नदी है, उसमें बहुत ही साफ पानी था। सिंधवाद quenched his thirst and sat down. उस नदी को देखा, उसे अच्छा लगा, वहीं बैठ गया, पानी पिया और फिर आराम करने लगा। He was seized by the drowsiness and fell into deep sleep. Drowsiness का मतलब होता है ऊंघना। तो इस तरह से वो थकान दिन भर उसके अंदर आई थी और उस थकान के कारण वो ऊंघने लगा था, तो वहाँ बैठ गया और ऊंघते ऊंघते ही जल्दी ही सो गया। He had no idea for a long ही स्लैप्ट। उसे ये नहीं पता था कि कितनी देर तक वो सोएगा, क्योंकि नींद आ गई तो आ गई, उसे नहीं पता वो कितनी देर तक सोएगा। When he awake and rested back to the ship, all he could see was an empty sea. जब उसकी नींद खुली, वो जागा, तो उसने सोचा चलो मैं चलता हूँ अपने जहाज़ की तरफ। वो जहाज़ की तरफ उसने दौड़ना शुरू कर दिया। जब वो वहाँ पहुँचा तो वहां पर जहाज नहीं था, समुद्र में कुछ नहीं था, समुद्र खाली पड़ा था। वंडरिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब वो चक्कर में पड़ गया कि क्या करूं, इधर उधर भटकने लगा। सिंधवाद टू एक्सप्लोर अगेन, अब सिंधवाद को फिर से एक नई खोज करनी थी। सडनली ही फ्रोज इन एस्टोनिशमेंट। सिंधवाद आश्चर्य में तब पड़ गया जब उसने देखा इन फ्रंट टू हिम देयर वाज एन इमेंस स्टोनर लाइक ऑब्जेक्ट।
कि सामने एक बड़ा सा सफ़ेद पत्थर जैसा कुछ पड़ा हुआ है। इट वॉज एन एग, वो पत्थर नहीं था, वो एक अंडा था। अ जियंट वॉट एग, वो एक विशाल सफ़ेद कलर का अंडा था। वाट वर्ड कुड हैव लेड एन एग सो ह्यूज, मन में उसके आने लगा कि आखिर कौन सा इतना बड़ा पक्षी होगा जो पत्थर जैसा, इतना चट्टान जैसा सफ़ेद कलर का अंडा जिसने दिया होगा। द सिंधवाद रिमेंबर्ड द टेल्स टोल्ड बाई द फिशरमैन ऑफ द बर्ड रो। फिर से काफ़ी देर सोचने के बाद सिंधवाद को एक घटना याद आई। उसे किसी मछुआरे ने बताया था कि एक बड़ी सी चिड़िया होती है जिसका नाम रो होता है। हुज विंग्स वर सो इमेंस दे कुड शैडो द सन, और उसके इतने बड़े पंख होते हैं कि वो सूरज की रोशनी तक को ढक लिया करते हैं। ये बात उसे ध्यान, इससे पहले कि सिंधवाद को सोच पाता कि ये क्या हो रहा है, पूरा आसमान में अंधेरा छा गया। अर्थ ट्रेम्बल्ड एज द एनॉर्मस बर्ड फिल यू डाउन विद द पावरफुल स्वेच ऑफ द विंग्स टू वार्म द एग, और पक्षी इतनी तेजी से उड़ा कि पूरी धरती कपकपा गई। वो पक्षी उतर के नीचे आया अपने अंडे को गर्मी देने के लिए। एट फर्स्ट सिंधवाद डिड नॉट डेयर टू मूव, इतने बड़े पक्षी को देखने के बाद पहले तो सिंधवाद की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो क्या करे, और वो कहीं हिल भी नहीं सका। देन वेरी स्लोली एंड केयरफुली ही टुक ऑफ हिज टर्बन, फिर धीरे से उसने अपनी पगड़ी को उतारा। अनरैप्ड द क्लॉथ, कपड़ों को खोला। एंड टाइड इट फर्मली टू द बर्ड्स क्लॉ, पक्षी के पंजे में उस कपड़े को बांधा। ही क्लाइम्ड इन टू द क्लॉथ एंड वॉज सून एस्लीप, और उसके बाद उस कपड़े को जहाँ बांधा उस पर कूद के चढ़ गया और चढ़ के अपने आप को पंजे के साथ में बांध लिया, और जल्दी ही उसको नींद आ गई और सो गया। स्नक इन द वार्म फेदर्स, और गरम गरम जो पंख थे उनमें आराम से सो गया। ये जो दिख रहा है आपको, पैर में बंधा हुआ, पैर के सहारे खड़ा है। एट डे ब्रेक द रो सोर्ड इन टू द स्काई, दिन निकलने को आया। रो नाम का जो पक्षी था वो आकाश में उड़ते चला जा रहा था। सिंधवाद वाज कैरीड फॉर माइल्स एंड माइल्स फर्दर एंड फर्दर, पक्षी के साथ साथ सिंधवाद भी उड़ता चला जा रहा था आगे 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 आगे। एट लास्ट द रो स्विफ्ट डाउन ऑन टू द रॉकी आइलैंड, फिर एक महाद्वीप आया, एक द्वीप समूह आया, और ये पत्थरों का एक समूह था, पत्थरों का एक द्वीप था। वहाँ पर जाकर ये रो नाम का पक्षी नीचे उतरने लगा। सिंधवाद अनटाइड जर नॉट एंड रोल्ड आउट ऑन टू द स्टोनी ग्राउंड, ये पत्थरों का आइलैंड था, द्वीप था। यहाँ पर पहुँचकर सिंधवाद ने अपने आप को, जैसे ही वो उतरा, सिंधवाद ने अपने आप को खोल लिया पंजे में से। ही वॉज इन ए रॉकी वैली सराउंडेड बाई द स्टोन एंड बोल्डर्स, अब वो ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हुआ करती थीं। देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास व्हाट मैसिव ग्रे माउंटेन्स टूवर्ड्स अबव हिम, यहां पर घास का एक तिनका भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन बड़े बड़े पर्वत जरूर दिखाई दे रहे थे चारों तरफ। देयर वॉज ए हिसिंग साउंड इन द एयर, तभी वहाँ पर किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, फुसकारने की आवाज़ आई। सिंधवाद सा 100 ऑफ द जेंट स्नेक रनिंग देमसेल्फ्स, सिंधवाद ने इधर उधर देखा तो वहाँ पर बड़े बड़े सांप उसको दिखाई दिए जो हर तरफ दौड़ रहे थे। ट्रेम्बलिंग विद फियर ही क्लाइम्ड अप द साइड ऑफ ए माउंटेन एंड हिड अंडर ए बिग बोल्डर, डर के मारे सिंधवाद कांपने लगा और एक साइड में पहाड़ पर एक पत्थर पर चढ़ गया। फ्रॉम देयर सिंधवाद सा ग्लिमरिंग पेबल्स स्ट्रियन ऑन द ग्राउंड, जब वो एक ऊंची जगह पर चढ़ा तो ऊंची जगह से जाकर उसने नीचे की ओर देखा तो सांप तो थे ही, साथ साथ उसको दिखाई दिया कि कुछ कंकड़ जैसे पड़े हुए हैं जो बड़ा तारों की तरह टिमटिमा रहे हैं। Why they were diamonds? उसको समझ में आ गया कि ये जरूर
डायमंड्स हैं, हीरे हैं। ही वॉज रिच। अगेन वो दोबारा फिर से अमीर हो गया, ऐसा वो सोचने लगा। बट सून सिंधवाद बीकेम सैड, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस वैली। लेकिन अब उसके सामने प्रश्न ये था कि वो इस घाटी से कैसे बाहर निकले। ही वॉज वीक विद हंगर एंड थर्स्ट। काफ़ी दिनों से वो भूखा प्यासा था, इसलिए कमज़ोर हो चुका था। देन समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैपेंड। उसी समय उसके सामने कुछ अजीब गरीब घटना हुई। A slattered sea fell from above on the diamonds. एक मरी हुई भेड़ ऊपर से आकर डायमंड के ऊपर गिरी, जो उसे दिखाई दिया। As it rolled over and over, the precious stones got caught into the woolly coat. जो मरी हुई भेड़ थी उसकी खाल में बहुत सारे कीमती पत्थर जो वहाँ पर डायमंड थे, यानी कि कीमती पत्थर किसे कहा गया है, डायमंड्स को, वो उसमें चिपक गए। एन ईगल डाइव्ड डाउन। उस मांस को देखने के लिए खाने के चक्कर में एक चील उड़ती हुई वहाँ पर आई। सीज्ड द शीप एंड डिसअपीयर्ड ओवर द माउंटेन। उस मरी हुई भेड़ को उसने अपने पंजों में दबाया और वहाँ से उड़कर चल दी और पहाड़ों में जाकर गायब हो गई। सिंधबाद गॉट एन आइडिया। सिंधबाद को आइडिया आ गया कि मुझे यहाँ से कैसे निकलना है। ही कलेक्टेड एज मैनी डायमंड्स एज ही कुड एंड वेटेड। उसने बहुत सारे डायमंड्स इकट्ठे कर लिए और फिर इंतजार करने लगा। समटाइम लेटर अनदर स्लॉटर्ड शीप टंबल्ड डाउन। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक मरी हुई शीप, मरी हुई भेड़ फिर से आकर गिरी है उन हीरो के ऊपर जो वहाँ पर पड़े थे। सिंधवाद क्विकली स्कैंड इट एंड रैप्ड हिमसेल्फ इट इट्स कोट एंड ले डाउन क्वेटली। सिंधवाद ने तुरंत ही सोचा और उस मरी हुई भेड़ से जाकर चिपक गया, अपने आप से उसको बांध लिया। जो मरी हुई भेड़ का मांस पड़ा था उससे अपने आप को लपेट के बांध लिया। सून ही फेल्ट दैट ही वॉज बींग लिफ्टेड बाई एन ईगल। और उसे समझ में आ गया कि अब थोड़ी देर में चील आएगी और उस मांस को उठा के ले जाएगी, तो साथ में मैं भी बाहर चला जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। वो चील आई, चील ने उस मांस को उठाया, भेड़ का जो मांस था उसको उठाया, और चूंकि सिंधवाद ने अपने आप को उस मांस के साथ बांध लिया था तो वो भी उड़कर चला गया। द ईगल फ्लू अवे। चील उसको लेकर चली गई। को देखा तो वहाँ ऊपर जो खड़े हुए थे लोग, जिन्होंने वो भेड़ मारकर फेंकी थी ताकि हीरे मोती उसमें चिपक जाएं और चील उठा के लाएगी तो वो उसको ले लेंगे। तो जब सिंधवाद को उन्होंने देखा तो वो खुद घबरा गए कि ये कहाँ से आ गया। सिंधवाद कॉल्ड देम बैक और वो वहाँ से भागने लगे तो सिंधवाद ने उन्हें आवाज़ दिया, भाइयों रुको, कहाँ जा रहे हो। द मैन केम बैक स्लोली, डर के मारे धीरे धीरे वो आदमी वापस आए। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक आदमी बोला, वी थॉट यू वर एन ईवल स्पिरिट। हम तो सोच रहे थे कि आप कोई भूत प्रेत हो। नो ह्यूमन हैज एवर कम आउट ऑफ द रॉकी वैली इन टू विच वी थ्रो डेड शीप। और बताने लगे, भाई आज तक इसमें कोई आदमी तो क्या कोई जानवर तक वापस नहीं आ पाया है, जहाँ से तुम वापस आए हो, जहाँ हमने मरी हुई भेड़ को फेंका था, इससे कोई आदमी ना जा सकता है ना वापस आ सकता है। सो दैट द ईगल्स विल ब्रिंग देम आउट कवर्ड विद डायमंड्स। इसलिए हम वहाँ पर मांस का टुकड़ा फेंकते हैं, मांस के टुकड़े में डायमंड चिपक जाते हैं, हीरे चिपक जाते हैं और उसको चील लेकर आ जाती है। इस तरह से हम वहाँ से हीरे निकाल लेते हैं। सिंधवाद गेव देम ए सम ऑफ हिज डायमंड्स एंड टोल्ड देम अबाउट हिज अनबिलीवेबल एडवेंचर्स। तो सिंधवाद ने जब जाना कि ये लोग इंसान ही हैं और ये उसकी मदद कर सकते हैं, तो उसने उनको अपनी सारी बातें बताई। बोले, भाई मैं भी बहुत सारे साहसिक समुद्री यात्रा कर चुका हूँ। और उसने यहाँ की भी घटना बताई कि किस तरह से वो यहाँ पहुँचा,
इस खाई में और इस खाई से बाहर आने के लिए, निकलने के लिए उसको क्या क्या काम करने पड़े, ये सब बातें उसने बताई। तो ये थी सिंधबाद की कहानी जो हमने पढ़ी। अब इसकी एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में देखेंगे।